राम राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू GT5 वीडियो में। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो कैसे हम हमारी प्यारी टाटा नैनो, सॉरी टाटा नेक्सॉन को चेक करेंगे ऑफ रोडिंग पे। इसके फुल ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और ऑफ रोडिंग में कैसी रहेगी है। और इसका इंजन वगैरह कुछ भी हमने अपग्रेड वगैरह नहीं कराया, जो आती है कार वैसी की वैसी है। तुम लुक वगैरह देख सकते हो, कितना गजब का लुक लग रहा है भाई। और इससे पहले वाले ऑफ रोडिंग में तुमने देखा होगा कि हमने फायर ट्रक को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया था, तो वो भी तुम देख सकते हो। तो चलो यार चलते हैं टाटा नेक्सॉन के साथ में और टेस्ट करते हैं इसकी ऑफ रोडिंग। भाई इसकी डोर की आवाज तुमने सुना, रियल में आवाज गजब की आ रही है भाई। बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटिंग के साथ में। चलो भाई तुम पहले एक बार ना इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनो यार, जो रियल इंजन में साउंड आता ना इसकी, वो सेम टू सेम वही साउंड लग रहा है मुझे तो लगभग। और बाकी कुछ डिफरेंट उसका पता भी नहीं है भाई। भाई मैं हर बार देखता हूँ कि ये पुलिस वाला यहाँ पे करता क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार। हर बार का काम हो गया, एक बार तो चलो मैं मान सकता हूँ कि ना भाई हो सकता है कि कुछ देखने आया हो, पर हर बार क्या करता है भाई ये? कभी अपने काम से मन चुरा के तो नहीं भागता? ओ सिगरेट पीने आता है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, पीने दो इसको भी, इसको अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, इसको अपनी एंजॉय करने दो। पर कुछ भी क्या हो यार, टाटा नेक्सॉन दूर से जो कितनी गजब की कार लग रही है, और एक तरह से ब्रांड न्यू है ना इसलिए तो और भी अच्छी लग रही है भाई। चलो चलते हैं। भाई तुम एक बार व्यू देखो, एक बार कैसा लग रहा है इसका। तो चलिए गाइस चलते हैं फिर, क्यों लेट करते हैं भाई, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ऑफ रोडिंग करके पूरी। भाई वैसे इसके सस्पेंशन वगैरह सही है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, मतलब हाइट अच्छी है इस कार की। अपनी इंडियन कार है यार इसके। अरे एक सेकंड भाई, लिफ्ट लेगा चलेगा? अगर तू तो वैसे रो रहा है, चल तू ही भाई जल गया अपनी कार देख के। ये सारे अंग्रेज अपने से जलते हैं भाई, तुम सही बताऊं तुम्हें। सॉरी बोल दिया, ये मतलब नहीं कि हटेगा नहीं तू। देखो अभी भी सामने भागेगा। अरे नहीं नहीं खरगोश खरगोश से मेरे कोई दुश्मन नहीं है भाई। ओ शिट यार, शिट 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 भाई, हर बार का हो गया यार। लोयन तो हर बार एक बार हमसे मर जाता है भाई। मेरे को सही में मारना नहीं था इसको, एकदम से सामने आ गया। मुझे लगता है हमारा फ्रंट व्यू ऑन करना पड़ेगा यार। पर हमने देख रहे हो तुम कि हमने जो हीरन वगैरह थे उनकी जान बचा ली। और तुम टाटा नेक्सॉन के अंदर से देख सकते हो भाई, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल आती है ना भाई, सेम टू सेम वो की वो लग रही है। देखो तुम व्यू देखो एक बार, लग रहा है ना बिल्कुल रियलिस्टिक कार भाई, रियल ही है। देखो हबी हट नहीं रहा भाई ये बंदा, फिर बाद में बोलता है कि भाई मार गया कोई। ओ हो, इस बंदे के चक्करों में भी हम मर जाते यार। तुम सोच रहे हो कि फ्रंट व्यू मैंने ऑफ क्यों कर दिया? भाई फ्रंट व्यू से मुझे इसका जो आगे का बम्पर वगैरह क्लियर विजन नहीं हो रहा था, मतलब क्लियर दिख नहीं रहा था, जिसके कारण क्यों अपन ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो कहाँ पर भी गिर सकती है यार। एक बार मार्क तो कर ही लेते हैं मैप के अंदर, वरना मार्क नहीं करेंगे तो लोकेशन अगर गलती से इधर उधर भटक गए कहाँ पे तो दिक्कत हो सकती है भाई। यहाँ पे जाना है हमें, लोकेशन सेम रहेगी पहले वाली हमारी। तो भाई हमारी लोकेशन यहाँ पे थी समथिंग यार, ये रास्ता था। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चलते हैं आज। भाई मैं कैमरा सेट करने के चक्करों में अभी हो जाता भाई, गिर जाती गाड़ी पूरी नीचे। भाई साउंड मुझे इसका गजब का लग रहा है, एक बार तो अच्छा लग रहा है इसका साउंड। भाई ऊपर से देखने में भी कितनी मतलब रियलिस्टिक कार लग रही है ना।
भाई ऑफ रोडिंग में तो एकदम गजब की कार है, बिल्कुल भी ऐसे कोई जहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही इसकी बॉडी वगैरह टच हो रही हो, कहाँ पे भी तक इसकी बॉडी टच नहीं हुई भाई, लिटरली यार सही है एकदम ऑफ रोडिंग के हिसाब से कार यार। और हम जंगलों में घूम रहे हैं भाई, देख लो अब खरगोश को बचाने के चक्करों में यार अभी तो भाई गाड़ी काहे में गिर जाती, पर ब्रेकिंग सही होने के कारण रुक गई यार ये, वो थोड़ी हमारी स्पीड भी कम थी। भाई बिल्कुल मतलब इसकी साउंड मुझे गजब का लग रहा है, बाकी कुछ लगे ना लगे तो। वैसे मैं पिछली बार देख रहा था यार यहाँ पे रास्ता है नहीं है, वो चेक करते उतर के कि रास्ता है क्या यहाँ पे, अगर रास्ता हुआ तो हम यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं भाई, क्यों इतना लंबा क्यों ले यार, एक मिनट रुको, लॉन्ग कट क्यों लेने की जरूरत आ गई, यहाँ पे शॉर्टकट है क्या रास्ता भाई, कार ले जाने लायक रास्ता होगा तो ही ले जा सकेंगे हम। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई कि कार ले जाने लायक रास्ता तो नहीं है ये, इसमें हमारी कार पूरी डैमेज हो जाएगी, जो कि हम रिस्क ले सकते हैं यार, ऐसी बात भी नहीं है। एक मिनट रुको, तो गाइस हमें देखने के कारण फ्रैंकलिन हमारा मर गया था भाई इनडायरेक्टली, कैसे मर गया, इसका पैर वगैरह स्लिप हो गया था पहाड़ से तो मर गया था। तो चलो यार मैं सोच रहा था ये अंदर से ले जाना सही नहीं रहेगा तो हमारे लिए, तो हम ऊपर से ही ले जाते हैं भाई, प्लान बनाया था नीचे जाने का, बट मुझे कोई रास्ता दिखा भी नहीं, और फ्रैंकलिन भी भाई एक बार तो पैर फिसल के गया था, तो कार को पलटाने से कोई मतलब नहीं है, इस हिसाब से अपन सही रास्ते पे चला लेंगे, वो बेटर लगता है मुझे। हाँ भाई लग रहा है मुझे यहाँ पे तो रेस देने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऑटोमेटिक चल रही है यार। भाई इसने पत्थर को तोड़ दिया, ये क्या बात हुई यार, देख रहे कैसे नाच रही है भाई, मुझे बस मेरे को रेस एक्सेलरेट करो और बस छोड़ दो, उड़ता हुआ घोड़ा हूं मैं बस भाई, खतरनाक आ रहा है यार एक बार। भाई तुम्हें पता ही होगा ये सेम ही कार है, देखी थी मैप में, तो हमारी लोकेशन ये वाली थी भाई जो लास्ट टाइम हमसे मिस हो गई थी। चलो भाई एक छोटी सी गलती के कारण, अगर उस टाइम पता नहीं फ्रैंकलिन का पैर कैसे स्लिप हो गया होगा किसी रीजन से, पर कैसे हो गया ये मुझे समझ में नहीं आया, सीधा सिर के बल गिरा भाई जिसके कारण मर गया भाई। मेरे आगे एनिमी भी है, देख क्या एक बार कौन है एनिमी है यार, पता कौन है भाई दुश्मन यार, पुलिस है पुलिस है पुलिस है पुलिस है पुलिस, अरे नहीं ये तो कोई मिशन वगैरह का पार्ट होगा जो कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई मिशन में, अभी हमें अपना अभी जो हम मकसद के लिए आए हैं वो मकसद कंप्लीट करके चलेंगे। जो मिशन के लिए आए यार, तुम भी क्या उल्टा सोच रहे हो यार, सहलेंगे थोड़ा सा भाई, मुझे लग रहा नहीं था कि वो इतना डिफिकल्टी होगी, जो कि हो भी नहीं रही भाई बिल्कुल भी, ये तो आराम से चढ़ रही है। एक मिनट को इसकी स्पीड और स्पीडोमीटर ऑन कर देते हैं कि ना स्पीड के, बात तो सही है। चलो गाइस हमने स्पीडोमीटर भी इसका ऑन कर दिया है, तो हम स्पीड भी चेक कर सकेंगे कि ना ये पहाड़ पे कितनी स्पीड से चढ़ पा रही है। तो तुम्हें लास्ट टाइम पता होगा भाई, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे फायर ट्रक अटक गया था, उसमें मैं थोड़ा बहुत टोर वगैरह अपग्रेड करना पड़ा था जिसके कारण वो चढ़ पाया था, और हम सेम चीज़ इसी कार में अगर हम स्पीड में लेके आए हैं चढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो हम एक बार इसको रोकते हैं यहाँ पे और फिर ट्राई करते हैं कि भाई ये मतलब इतना ताकत है इस कार के अंदर कि ऊपर चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती, क्योंकि तुम देख सकते हो बिल्कुल मतलब एकदम से खड़ी चढ़ाई बोलते हैं जिसको, एक तरह से वो ही है भाई पूरी है। तो चलो ट्राई करते हैं यार, मुझे जहाँ तक है पक्का चढ़ जानी चाहिए कार हमारी, पर लेट्स ट्राई इट। तुम्हें लग रहा होगा ताकत मांग रही है, नहीं नहीं भाई वो मैं ही कर रहा हूँ भाई, भाई इसने नाम रख दिया हमारा यार, ऐसी बात तो नहीं। यार एक तो नहीं, जंगल में खरगोश कुछ ज्यादा ही है मुझे लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा भाई है ही ऐसा, हम गलत रास्ते पे आ गए, गलत रास्ते पे आ गए, हाँ गए हम गलत रास्ते पे, हाँ तो ऐसे हम गलत रास्ते पे चले गए थे, पर हम ये वाला रास्ता ट्राई मार के देखेंगे भाई कहाँ से जा रहा है रास्ता भी।
एक सेकेंड गाइस, ये रास्ता देखो, ये रास्ता थोड़ा मतलब अपन ने इस रास्ते को टैक चेक कर लिया था भाई पिछले वाले मैप में, मैं मतलब मिशन में। तो चलो यार, सोच रहा हूँ इस बार इस रास्ते से चलते, देखते हैं भाई इस रास्ते पे ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब उस रास्ते पे नहीं है। लेट्स ट्राई इट, क्योंकि सेम वे से अगर हम बार बार जाएंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा, डिफरेंट वे ट्राई करना चाहिए। और पिछली बार तो हमारे पास फायर ट्रक था तो भाई थोड़ा डर था कि भाई अगर अटक गया तो क्या होगा, पर इस बार हमारा नेक्स्ट जोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। और अगर कोई दिक्कत भी होगी भाई वापस आ जाएंगे अपन। यह रास्ता तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऑफ रोडिंग वगैरह इतनी नहीं है, बिल्कुल आसान रास्ता है भाई ये। भाई सिट यार, सॉरी 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 यार, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा, एकदम से आ गया यार, मैं पीछे मैप देखने लग गया था, सॉरी सॉरी। एक बार यहां से व्यू देखो तुम यार, क्या गजब का व्यू आ रहा है भाई। देख रहे हो अपन शायद इसी रास्ते से आके गए थे अभी भाई, व्यू देखो गजब का व्यू है। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लेट नहीं करना भाई, व्यू देखते रहेंगे बाद में, देखते रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ऐसे ऑफ रोडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है मुझे लग रहा है। ऑफ रोडिंग तो क्या भाई, पहाड़ भी चढ़ना है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ टाइप का ये नेक्स्ट जोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके इंजन में इतनी ताकत है, पावर तो है भाई इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर किसी रैंडम बंदे के साथ हम रेस लगाए कि भाई ऐसे देखते हैं कि कौन यहाँ पे सबसे पहले पहुँच पाता है, जब अपन ने लोकेशन मार्क की है, पर देखते हैं गाइस हो सका तो। लेट्स ट्राई इट। भाई 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 भाई, यहाँ पे ये क्या है भाई, तुम देख रहे हो मैं ब्रेक कब से मार रखा हूँ भाई, कहाँ पे जाके रुक रही है कार। अरे साइकिल, साइकिलिस्ट जा रहा, भाई ब्रेक मारने पे रुक गया, साइकिल के चक्कर में स्पीड में पकड़ लिया था। चलो यहाँ से मैं घुमा सकता हूँ, एक मिनट रुको, इस साइकिल वाले के चक्कर में आज मर जाता भाई रियल में, पर कोई ना। एक सेकेंड, वो बंदा जा रहा है उसके पीछे खरगोश आ रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला रास्ता कोई इतना डिफिकल्ट रास्ता नहीं है, बिल्कुल मतलब आसान सा रास्ता है, उसके जो पिछले वाले वाले रास्ते के से तो थोड़ा इजी है ये, मैं बोल सकता हूँ। चाहे तो हम यहाँ से शॉर्टकट भी ले सकते हैं, बट हमें शॉर्टकट नहीं लेना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना, बिल्कुल गलत लग रहा है भाई, तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है, हमें शॉर्टकट लेना होगा भाई। यहाँ से तो कुदानी पड़ेगी गाड़ी को, कुदाने के अलावा एक और ऑप्शन नाम पे। ओ भाई हम नाले में उतार दिया गाड़ी को, नाले में उतार दिया यार, गलती इसकी भी नहीं है, नाले में उतार दी हमने कार को। चलो रास्ता ऐसी बात नहीं है, रुको एक मिनट भाई, देखो ब्रेक मारने पे ना कार रुक नहीं रही, क्योंकि ना टायर स्लिप हो रहे हैं भाई नाले में, तुम्हें पता ही है दलदल टाइप की मिट्टी होती है। बट हमारी लोकेशन में हम पहुँच गए थे ना। अरे नहीं 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 भाई, मैं ब्रेक मारा था नहीं रुक पाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ब्रेक मारा था मैं, थोड़ी गाड़ी की कंडीशन बिगड़ गई, पर कोई बात ना। अरे यार शिट भाई, इसमें टायर स्लिप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर फिर भी हम पहुँच गए यार। अरे यार ये तो वही बात हो भाई, आसमान से उतरे खजूर मिट के भाई, एक व्हील खराब होने के बाद भी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए यार। थोड़ी गाड़ी की बॉडी की भी कंडीशन बिगड़ चुकी है मैं मान सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है भाई, वो थोड़ी सी गलती के कारण हमें ऑफ रोडिंग ट्राई नहीं मारनी चाहिए। अगर वो नाला नहीं होता ना भाई तो हो सकता था हम कुछ, हमारे कुछ नहीं होता, पर ठीक है जो भी था ठीक है यार। तो भाई नेक्स्ट जोन की कंडीशन तो बहुत बेकार हो चुकी है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम रिपेयर करवा लेंगे इसको। तो भाई गाइस मिलते हैं कुछ न्यू ड्यूटी फाइव वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।